इस टाइप से काटे जाते हैं खो, मतलब जैसे खिड़की खोलो सामने से सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी। कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। Hey cuties, Assalamualaikum, it's me Ashu, welcome back to my vlog with you. So again आज मैं vlogging शुरू कर रही हूँ just because कल हम लोग निकल रहे हैं अपने गाँव, so I thought कि जो भी packing वगैरह 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 है तो उसको मैं आपके साथ share करूँ। वैसे अभी का मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं ना पिछले 2.5 घंटे से अभी shoot में लगी पड़ी हूँ, तो बहुत सारे कपड़े चेंज किए हुए जो कि कपड़े आप लोग को इधर कोना में बिखरे पड़े मिलेंगे, मेकअप बिखरे पड़े मिलेंगे, कैमरा इधर सामने में। और एक बात बताओ यार, मुझे लगता था कि रिंग लाइट से ज़्यादा अच्छा नेचुरल लाइट नहीं होता है, बट इस खिड़की के आगे जब मैं अपने कैमरे को लगाई और जो नेचुरल लाइट में जो वीडियो बन रहा है, इनफैक्ट अभी जो मेरे फ़ोन में भी जो नेचुरल लाइट में वीडियो बन रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट देयर आफ्टर स्किन एकदम ओरिजिनल लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, जैसा है वैसा ही। और सिमिलर इसी तरीके से कैमरा में भी लग रहा था, सो आई वॉज इम्प्रेस्ड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अब मुझे रिंग लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेचुरल लाइट में सच में इतना प्यारा इफेक्ट आता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी हो रहा है असर का टाइम, जल्दी जल्दी मैं चेंज करूँगी, नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा इन सबको समेटूंगी, फिर पैकिंग में लग जाऊँगी। तो वहाँ है मेरे चाचा का शादी, सो बेसिकली मैं शादी पर्पज़ के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए जा रही हूँ बिकॉज मुझे शादियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो शादी के लिए मैं कुछ भी पैकिंग नहीं करने वाली हूँ और मेरे घर में ये बात नहीं पता है, बट लिटरली मुझे शादी, मैं मम्मी को बोल चुकी हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी बट मेरे को शादी में नहीं जाना यार। तो मैं अपने घर में वहाँ रहूँगी, मैं इन्जॉय करूँगी, वहाँ का ब्लॉगिंग करूँगी। अभी सामने में खेत है, मतलब हर बहुत कुछ है, तो आप लोग को भी देख करके मज़ा आएगा। और इधर देखो कितने सारे मेकअप्स क्या 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 पड़े हुए हैं, 2 PR थे तो उसका भी रिव्यू करना था, तो मैं बोली कि यार ठीक है सब कुछ कंप्लीट करके तभी यहाँ से निकलूँगी, कि बार बार मेल्स और मैसेजेस ना आए कि जल्दी कंप्लीट करो जल्दी कंप्लीट करो। फटाफट से इस आउटफिट को चेंज करती हूँ, उसके बाद हाँ तब फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, इन सबको जब समेटूँगी तब फिर। ओके टिल देन बाय। सो गाइज नमाज डन और मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग जब तक कर लेती हूँ, नहीं मगरिब का अजान होने लगा, मैं मिलती हूँ। सो क्यूटीज मेरा असर का भी नमाज हो गया और मगरिब का भी नमाज हो गया। अब जो इधर फैला पड़ा है, मैं बोलूँ कि बोली कि क्या इसे समेट के रखूँ, तो मैं पहले अपना बैग पैक कर लेती हूँ। तो जो भी स्किन केयर है, जो भी मेकअप्स है, तो इस बार मैं सबसे बड़ा वाला अपना बैग लेके जाने वाली हूँ जो कि ज़ूक का है। और पता है ज़ूक का बैग बहुत अच्छा होता है, ये हैंडमेड है और मतलब कि इसकी जितनी भी तारीफें करो कम है। इसका जो लेदर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, जिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, तो अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत सारा सामान है आपको रोज़ लेके जाना है कहीं भी तो आप उस टाइम इसको कैरी कर सकते हो। साइड में इस टाइप का बेल्ट लुक दिया है, नीचे में इस टाइप के स्टैंड्स दिए हुए हैं 4, जिससे कि आपका बैग और ज़्यादा अच्छा लुक देता है, और लुक भी इसका बहुत बवाल है। तो हाँ मुझे ये बहुत पसंद है ये बैग, तो इसी में मैं अपना सारे का सारा जो भी मेकअप्स है, जो भी स्किन केयर है उसको रख लूँगी, और अपना मिनी ट्राईपॉड भी रख लूँगी। मैं सोच रही हूँ कैमरा ले जाने का, बट फिर बोल रही हूँ कि नहीं नहीं कैमरा नहीं ले करके जाऊँगी क्योंकि इधर उधर हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा मेरा कैमरा, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा नहीं है, जिगर का टुकड़ा है, तो इसलिए मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी। सबसे पहले इन सबको देखती हूँ क्या क्या लेके जाना है, ज़्यादा सामान नहीं लेकर के जाऊँगी, जो कुछ भी है लाइट हल्का फुल्का सामान लेकर के जाऊँगी। सो यार लेट्स सी, पैक करते हैं फटाफट से, लेट्स पैक। सो फिलहाल मैं आ गई ऊपर वाले फ्लोर पर, मैं कुछ कपड़े वपड़े निकाल रही हूँ ले जाने के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े रखूँ, मतलब इन द केस अगर मुझे एकदम शादी में जाना पड़ा, अगर सभी ने बहुत फोर्स किया तो एटलीस्ट एक कपड़े तो होने चाहिए ना, वरना पता है वो लोग क्या करेंगे, मैं जो नॉर्मल सा कपड़ा लेके गई रहूँगी ना उसी में पहना के वो लोग मुझे शादी में लेके चले जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा फोर्स्ड हुआ तो। तो मैं रख रही हूँ, एक इसमें का लहंगा है, नहीं नहीं सॉरी लहंगा नहीं रख रही हूँ, एक ये वाला गरारा है एंड एक बहुत ही प्लेन सा ये वाला गाउन है, तो हाँ ये दो रख ले रही हूँ मैं। और ये लहंगे का दुपट्टा है जो कि मैं इस गरारे के साथ पेयर अप कर सकती हूँ, क्योंकि गरारा है एकदम पूरा ग्रे कलर का, मतलब फुल ग्रे है, काफ़ी हेवी है, मैं शायद रिसेंट में कभी पहनी भी थी। बाकी मम्मी का साड़ी वाड़ी है और मैं अपना नॉर्मल कुछ सूट वगैरह निकाल ले रही हूँ,
तो हाँ, मैं अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और ये मेरा ऊपर वाला रूम है जो कि पर्पल एंड वाइट के थीम में है। थीम तो नहीं बोलूँ क्योंकि हर चीज़ पर्पल एंड वाइट नहीं है, बट इसका पेंट पर्पल एंड वाइट है, बहुत प्यारा लगता है। जितने घर में जितने भी पेंट्स हुए ना, सब मेरी चॉइसेस के हुए हैं। तो मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा लग रहा है। ओके, तो जल्दी पैकिंग करते हैं। हाँ जी, तो आ जाओ पैकिंग शुरू करते हैं। देखो, एक छोटा सा पाउच ना आप लोग हमेशा अपने पास रख लिया करो, जिसमें आप अपने लिपस्टिक्स हो गए और मेकअप ब्रशेस हो गए, लाइक जो भी छोटी छोटी चीज़ें, लंबी लंबी चीज़ें होती हैं, उसको आप उस पाउच में एटलीस्ट रख सको। क्योंकि क्या होता है ना, पर्स हमारा थोड़ा बड़ा होता है, पर्स में बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे स्किन केयर हो गया, पैसे वैसे हो गए, हर चीज़ हो गई, तो ब्रशेज़ वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ होते हैं ना, वो इधर उधर हो जाते हैं, तो मतलब ऑन द टाइम मिल नहीं पाते। और जब हम शादी में जाते हैं और हमें मेकअप करना होता है, तो पूरा पर्स हमें फैलाना पड़ता है। तो अगर आप पाउच में रखोगे ना, तो बस पाउच निकाला, मेकअप किया एंड दैट्स इट, आप डन हो गए। तो इसीलिए, और जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बड़े बड़े जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप अपने पर्स में इजीली रख लो, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट्स गुम नहीं होते हैं और वो इजीली आराम से आपको मिल जाते हैं। और ये जो ज़ूक का बैग है ना, इसको आप लोग इनके वेबसाइट से जाकर के देख सकते हो, इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब लोड सह सकता है। जो पर्स है वो पैक हो चुका है, उसमें मेन चीज़ रखना है ये वाला चॉकलेट। मुझे ये वाला ना कोको वाला चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, मैं इस पैकेट में बहुत सारा मंगा ली हूँ और मैं इसको रखूँगी, क्योंकि मुझे कार में बहुत वोमिटिंग फील होती है, तो मैं इसे खाते हुए जाऊँगी। एंड या अभी भी खाऊंगी। सो गाइज, दिस इज़ माई वेरी प्रीटी गरारा सूट इन ग्रे कलर, और ये मैं काफ़ी पहले ली थी, बट आज के टाइम में मैं देखती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसमें पूरा पूरा स्टोन और पर्ल का वर्क है, मतलब बहुत ही झकास लगता है। देख रहे हो ना कितना शाइन कर रहे हैं, बड़ा बवाल सा लग रहा है। सो मैं इसको ले रही हूँ, सोची थी ये वाला दुपट्टा रख लूँगी, बट नहीं, ये ग्रे ही अच्छा लगेगा पूरा, इसके साथ नहीं जाएगा, तो इसको साइड कर दी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो अभी फजर का टाइम हो रहा है, तो मेरा फजर की नमाज हो गया और मैं रात में पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी। तो मैं सोची अभी मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना था। देखो, फजर की नमाज में चार रकात होता है, दो रकात सुन्नत, दो रकात फ़र्ज़। तो दो रकात सुन्नत पढ़ने के फौरन बाद, दो रकात फ़र्ज़ पढ़ने से पहले बीच में ना एक दुआ पढ़ना होता है 100 बार। अगर आप उसको पढ़ते हो ना, तो आपकी दिली जो भी ख्वाहिश है, जो जायज़ ख्वाहिश है, वो ना पूरी हो जाती है, और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। तो वो दुआ ये है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। इस चीज़ को 100 बार पढ़ना होता है सुन्नत के बाद, और फ़र्ज़ नमाज से पहले 100 मरतबा पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर से आप फ़र्ज़ नमाज के लिए नियत कर सकते हो, कर लो, उसके बाद फिर अपना फ़र्ज़ नमाज पढ़ो। वही है कि फजर का नमाज, देखो, हमें हमेशा पहले ही शुरू करनी चाहिए, और अगर ये 100 बार आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप और पहले शुरू करो अपना फजर का नमाज। तो बस दोरे का सुन्नत पढ़ लो, उसके बाद तक फिर ये दुआ को एकदम याद से 100 बार पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार आप इस दुआ को पढ़ते हो ना, तो अल्लाह पाक आपकी दिली ख्वाहिश जो भी है और जो भी मुसीबत बलाए, उन सभी को टाल देंगे और आपकी दिली ख्वाहिश को पूरी करेंगे। जो जायज़ ख्वाहिश है, ना जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरी नहीं करते हम। हाँ, तो हो गया मेरा, नमाज हो गया है, मेरी दुआएं भी हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ फिर से सोने को। रात में मैं वीडियो एडिट की थी, 2 वीडियो एडिट करना था, तो उसको मैं एडिट की थी। अब जितने भी ब्लॉग्स वाले वीडियो ना, वो सब मैं गाँव जा कर एडिट करूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे टाइम मिल जाता है। और अभी मैं जो भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ का जो वीडियो था, उसको एडिटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो कर ली थी, एक और बाकी है। तो एक और जो एडिटिंग बाकी है, उसको मैं अभी कर लूँगी, आधा घंटा टाइम लगेगा, बट चलो ठीक है, सर से एटलीस्ट एक टेंशन हट जाएगा। सो या मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर से, दोबारा उठती हूँ, टिल देन बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो दिन था वो जुमा का दिन था, जिस दिन मेरे को गांव जाना था, तो उस दिन ना हम लोग थोड़े से सुबह ही में उठ गए थे, मतलब फजर की नमाज के बाद मैं सो गई थी, बट मैं फिर से 7 बजे तक उठ गई थी। और 7 बजे तक उठने के बाद फिर मैं नहा, पूरे घर को पहले हमने, मैं और मम्मी मिल करके हमने सफाई कर दी, जितना भी ऊपर नीचे सफाई करना था, उसके बाद फिर नहा धुला करके नमाज पढ़ के जोर का, फिर कुरान शरीफ की तिलावट करने के बाद तब हम लोग खाना वाना खा के तब हम लोग यहाँ से निकले थे। तो हाँ, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सो क्यूट इज़, मेरा शावर डन हो गया, कुरान भी पढ़ ली हूँ, नमाज भी डन हो गया है, और अब हमें बस रेडी होना है फटाफट से निकलने के लिए, लंच वगैरह भी हो चुका है। तो हाँ, जुमा का दिन था, तो इसलिए कुरान भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जहर का नमाज भी कंप्लीट हो चुका है। सो बस ये वाला आउटफिट मैं पहन के जा रही हूँ, वैसे ही फ्राइडे का दिन था, तो मैं बोली कुछ वाइट पहनते हैं, तो ये फ्रॉक अच्छा लगता है,
सो बस अब कंघी करना है बालों को, हल्का सा स्किन में क्रीम वगैरह लगाना है, लिप टिंट लगाऊंगी बस नॉर्मल से, जैसे मैं रेडी होती हूँ वो रेडी होंगी, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से पटना से। तो हाँ आप लोग ना मतलब बने रहो मेरे ब्लॉग से, और जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं उनके लिए ये मैं बोलना चाहूँगी, मत करो यार, क्या मिलेगा। देखो किसी को बुरा बोल के आप भले नहीं बन जाओगे, अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो ये तीन और चार उंगली आपके तरफ खुद घुमा हुआ रहता है। तो प्लीज़ आप खुद पर फोकस करो, दूसरों पर ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर फोकस करोगे तब तक आप खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे, इसीलिए। तो अब पटना को अलविदा कह चले हम लोग और अब निकल रहे हैं गांव के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था, क्योंकि मैं शॉर्ट्स डाली थी इतना ज़्यादा जब मैं गांव गई थी, तो एंड उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका गाँव किधर है, तो शिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मलमलिया हमारा बस स्टैंड, और मलमलिया के अंदर जा कर के खोरी पाकर साइड में, मतलब खोरी पाकर से भी और अंदर जा कर के हमारा गाँव है। यहाँ पर हम लोग मलमलिया के पास रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेशल चाय मिलता है, ये कुल्लर चाय। तो और ये जो दो मिठाई आपको दिख रहा है ना, ये पेरा है शायद, हाँ पेरा, यहाँ का इतना फेमस ये पेरा है, इतना फेमस ये पेरा है कि ऑल ओवर इंडिया में ना यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इसको ट्राई करने के लिए। और मैं यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए काफ़ी मज़े में चाय पी रही थी, चाय वाय पीने के बाद तब मैं इस पेरे को ट्राई की, एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा यम था। फिर हम लोग पहुँचे अपने गाँव, गाँव पहुँचते के साथ का टाइम था लाइक मगरिब के नमाज का टाइम था, तो यहाँ पे मैं ये बिछा करके जा नमाज जो था उस पर मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, एंड मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए बस खड़ी हो गई। एंड नमाज़ पढ़ के जैसे मैं उठी, वैसे मुझे बार 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 कॉल एंड मैसेजेस आ रहे थे, एक प्रमोशन वीडियो बनाना था। तो यार मतलब उन लोगों ने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं आपको इन्हीं हाउ देना है, इन्हीं हाउ देना है। तो बस मैं बैठ गई स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर मैं लाइट्स वाइट्स का जुगाड़ किया, एंड फाइनली मैं वीडियो शूट की। सो गाइस यहाँ की भी चैन नहीं है, अभी बहुत बार कॉल आया है मुझे प्रोमो एक वीडियो बनाना है, जिसका कि लाइक अभी तुरंत मैं स्क्रिप्ट रेडी की हूँ, एंड उसके बाद फिर इसको देख करके मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा थोड़ा अपना सही कर लूँ, तो हाँ इसका वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली जब मैं घर से निकल रही थी तभी मुझे बहुत बार कॉल आया था, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई थी कॉल, तो फिर मैं रास्ते में कॉल अटेंड की, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ मैम आप ट्राई कीजिए कि आप आ जाइए नहीं हाँ वीडियो दे सके। तो बोली चलो ठीक है, किसी के भी दुख दर्द तकलीफ को समझना चाहिए। सो अब मैं जा रही हूँ ये वाला शूट करने को, बट मैं यहाँ पे ट्राईपॉड नहीं लेकर के आई हूँ, मिनी ट्राईपॉड लेकर के आई हूँ, तो देखती हूँ कहीं एडजस्ट करके कुछ बांस वास कुछ लकड़ी डंटा वंटा कुछ भी देखती हूँ, यहीं पे शूट करूँगी, पीछे में ये खिड़की रहेगा, वाइट बैकग्राउंड तो आ ही रहा है। सो या लेट्स सी कैसे क्या होता है, मिलते हैं, बाय बाय। हाँ जी, तो प्रोमो वीडियो शूट करना और तैयार ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बस बैग में से अपना सारा सामान वामान निकाल रही हूँ मैं, और लिटरली मेरे गांव का घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो आपको वीडियो के आगे भी मिलेगा, अगर इस ब्लॉग में नहीं मिलेगा तो इसके बाद वाले ब्लॉग में मिलेगा। ऐसे मैं एक ही ब्लॉग काफ़ी बड़ा बना ली हूँ, तो हो सके तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँ। तो नेचुरल सा मेकअप कर रही थी मैं कि थोड़ा बहुत नेचुरल लगूँ, और यार कैमरा का सॉरी फ़ोन का जो कैमरा होता है ना उसमें ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा बहुत आपको वाइट इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा देखने को, बिकॉज कैमरा का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है, फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अलग होता है चाहे आपका कितना महंगा ही फ़ोन क्यों ना हो, ये बात मैं बहुत बार बोलती हूँ, बट यार लोग समझते ही नहीं है। और यहाँ मैं ग्रीन ग्रीन काजल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे सूट का कलर लिटरली वही था, थोड़ा सा ग्रीनिश स्काई ब्लू, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे खुद ही कि कौन कौन सा कलर है, बट मैं फटाफट से अपने मेकअप को डन डना डन डन कर रही थी। एंड इस पर गाँव में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लाइक ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं बहुत वेली हूँ, इधर उधर पड़ी पड़ी हूँ, नहीं मैंने लाइक पूरी तरीके से मैं खुद को बिज़ी रखने की कोशिश की, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी उस टाइम शूट करे हैं, एंड लिटरली आप लोग को पसंद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और पता है मैं वापस आने के बाद सोच रही थी कि यार 10-15 दिन और रुक जाना चाहिए था, तब तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो ही जाते, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स जो था वो इंक्रीज़ हुआ है ना कि दिल एकदम मेरा भागम भाग हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, चाहे इंसान लाख जतन कर ले, बट हाँ अगर आप मेहनत करते हो तो आपका मेहनत ज़ाया नहीं होता है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। और ये जो रेड वाला लिपस्टिक है ना, ये बहुत ही बॉम्ब लिपस्टिक है, और ये शायद मैट लुक ब्रांड की तरफ से है, स्ट्रीट वियर ऐसे ही कर, नहीं सॉरी स्ट्रीट वियर का ये नहीं है, मैं देख लूँगी कौन सा लिपस्टिक है, बाद में मैं आप लोगों को ज़रूर से बता दूँगी। और ये लिपस्टिक लिटरली बहुत अच्छा है, तो मैं काफ़ी लाइट सा मेकअप करने की कोशिश की हूँ, जो भी लगाई हूँ काफ़ी लाइट, इस लिपस्टिक को भी मैं बहुत लाइट हैंडेड लगा रही हूँ कि बहुत ही डार्क नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी इस लुक में डार्क नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लुक में फ़िल्टर मारने वाली हूँ बाद में,
बिकॉज प्रोमो वीडियो था तो वो एक एप्लीकेशन का प्रोमो कराना था एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। तो बस अब लग रही हूँ मैं हसीन बवाल और बस बालों को जुल्फों को जो है वो लहराते हुए बलखाते हुए इतराते हुए थोड़ा सा गंगा वंगा कर लूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल लुक बॉम, अच्छी लगूंगी, आप खुद देखते जाओ वीडियोज में। सो गाइज लुक एट माई जुगाड़, ये सेल्फी स्टिक था यहाँ पे पहले से और उसमें मैं अपना मिनी ट्राइपॉड को अटका दी हूँ एंड यहाँ काम हो जाएगा। एक वीडियो को बनाने में इतनी मुशक्कत लगी, ये देखो रेड रेड लाइट, इतनी मुशक्कत लगी, इतनी मेहनत लगी कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी बहुत भी रेडी होकर अच्छी लग रही हूँ ना, मतलब मैं अपनी तारीफें करने से कभी पीछे नहीं रह सकती हूँ। मिलते हैं, बाय। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि यार मैं कहीं भी जाऊँ मेरे को चाय एकदम चाहिए। मैं इतनी बड़ी वाली चाय लवर हूँ ना कि क्या बोलूँ, चाय वाय पी के खाना वाना खा के मैं सो गई थी, सुबह में उठी तो ये नज़ारा देखो। एंड जब मैं सुबह में उठी, लाइक सुबह में उठने के बाद मैं 9 बजे उठ जाती थी क्योंकि फजर के टाइम पे उठना होता था, फिर मैं सो ही जाती थी। उठी तो देखी कि मम्मी ना ये पत्ता वाला मेहंदी पीस रही है सील पे, और उनको पत्ता वाला मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। लिटरली पत्ते वाले मेहंदी को जब पाँव में इंसान लगाता है ना तो वो दिमाग को ठंडा रखता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। सेकेंड डे एंड आई एम डन, मतलब मैं शावर वगैरह लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश हो चुकी हूँ। ये भैया मेरा रूम है और ये मुझे पूरा तरीके से मिल चुका है, ये मेरा बेड है। सो यार अभी मेरे को शूट करना है, 2 शूट फिर से करना है जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। मतलब मुझे जब भी शूट वाला कुछ भी सीन होता है ना मेरे साथ तो वो बहुत ही अर्जेंट बेसिस वाले शूट आते हैं मुझे, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। और मैंने कुछ भी वेस्टर्न आउटफिट में मैं कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ, जो था सो इंडियन लेके आई हूँ विथ। सो इसीलिए अब मैं फिर से जा रही हूँ हल्का फुल्का रेडी होने, और उसके बाद फिर 2 शूट करनी है, वो भी दोनों चेंज कर करके। और मैं वेस्टर्न आउटफिट में एक भी नहीं लेकर के आया हूँ, सिर्फ इंडियन लेके आऊँ क्योंकि यहाँ सिर्फ 2-3 दिन ही रुकना है। बट 2-3 दिन में ही मेरे सर पे इतना ज़्यादा प्रेशर सा आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और लेकिन व्यू, मतलब बाहर का व्यू, बाहर का नज़ारा बहुत मस्त हो रहा है। एक मिनट में बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और जैसे खिड़की खोलो सुबह में बड़ा मस्त सा सीन हो रहा था, फिर बाद में भी मतलब हर टाइम काफ़ी अच्छा, काफ़ी एयरी काइंड ऑफ है। एंड इधर का होम टूर भी मैं आप लोग को दे दूँगी। वैसे यहाँ को होम टूर मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जब यहाँ का मिलादन कुरान खानी था तो उस टाइम का भी ब्लॉगिंग में शेयर की थी। एंड या सो अभी फटाफट से कर लेते हैं जो काम बाकी है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अभी मैं पहले आप लोग को बाहर का सीन दिखा देती हूँ, बड़ा बस नज़ारा लगता है और बहुत बहुत हसीन। देखो मतलब जैसे खिड़की खोलो सामने से सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी। और ये सब अभी गेहूं का खेत है, गेहूं से पहले सरसों हुआ था, जो वो पीला फ्लावर वाला नहीं होता है DDLJ वीडियो में, जो DDLJ मूवी में जो था वो सरसों का खेत, इससे पहले वो था तो वो करा, तो अभी ये लगा हुआ है। तो ये गेहूं है, कौन सा गेहूँ है यार मुझे भी नहीं पता, ये तो भुट्टा है, मकई जो बड़ा बड़ा है, जो उधर है छोटा छोटा ग्रीन वो सब गेहूँ है। एंड इधर भी, और सबसे पहला विंडो ये है, सेकंड विंडो इधर है, तो इधर भी ग्रीनरी। ये देखो इधर अभी हो रहा है खेती, इस टाइप से काटे जाते हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का, ये सरसों का खेत है, हाँ ये सरसों है जो कटिंग हो रहा है। एंड ये देखो पूरा फैमिली मिल करके ना इसको कर रहा है। अरे यार ले क्यों नहीं रहा है, ये देखो, हाय। मतलब जो लोग खेती करते हैं यार वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा फैमिली उनका मिल करके मेहनत करता है। तो ये नज़ारा मैं इधर से देख रही हूँ, बहुत ही हसीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाके हमें खाने को मिलता है, सोचो हमें सिर्फ पे करना होता है उसके लिए, इसीलिए कभी भी इन लोग का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा इन लोग को इज्जत देनी चाहिए। दे आर सेकेंड गॉड, अच्छा लग रहा है देख के। तो मैं फिर से रेडी हो रही थी यहाँ पर क्योंकि अपना शूट करना था, और वेस्टर्न आउटफिट के लिए ना मैंने अपने भाइयों का शर्ट जो था उसको पहन के थोड़ा सा स्टाइल कर ली थी। और यहाँ पे देखो क्या मस्त हवा चल रहा है यार, रात में फिर जाना था मिलाद में, तो मैं अपनी मम्मी को रेडी कर रही थी। फाइनली मैं भी रेडी हो गई, तो आगे की कहानी सुनो। फाइनली मैंने डिसाइड करा था कि मैं नहीं जाऊँगी, बट मैं आप लोगों से पहले भी शेयर की थी कि मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा, तो वही हो रहा है मेरे साथ। और आज है मेहंदी और हल्दी का रस्म, बट मेरे पास कोई आउटफिट नहीं है, तो मैं ये पिंक पहनने जा रही हूँ क्योंकि मैं लेके ही नहीं आई हूँ। बट एक्चुअली मैं रह जाती, बट सब लोग बोल रहे हैं कि घर के सारे लोग ही जा रहे हैं, तो घर में अगर मेरी चाची पूछ रही किससे इजाज़त ले रही हो, मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ, क्या मैं चाहूँ
जाना चाहिए। चलो चलो, तो अब मैं रेडी होती हूँ फटाफट से। यही वाला मैं पहनी थी अपने घर पे जब कुरान खानी हुआ था, तो यही वाला पहन लेते हैं। सो फाइनली आई एम रेडी। घर से जैसे बाहर निकले वहां का नजारा आप लोगों को कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। ए है बड़ा मस्त नजारा था, एकदम बोले थे झिकास झिकास काइंड ऑफ नज़ारा था, एंड आई रियली लव इट। तो 5 मिनट का रास्ता था तो हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद यार चाय जो मिला था ना वो बिल्कुल शरबत के जैसा था, वो ज़्यादा ही मीठा था। तो मैं अपने भाई को बोली कि यार एक बार मैं चसक मार के दिखा दे। और ये मेरे दो बुआ दादी हैं जो कि मेरे दादा की छोटी बहन है, मेरे दादा सबसे बड़े भाई हैं। तो हम लोग घर आए। सो गाइस आई एम बैक टू माई होम। मैं अपने घर पर मतलब बोले तो अपने घर अपने गाँव वाले घर पर आ गई हूँ, क्योंकि शादी दूसरे घर पर है। शादी है मेरे रिलेटिव के घर में जो कि मेरे गांव में ही है, उनका भी घर बट वो थोड़ा सा दूर है। तो मेरी चाची और मेरी मम्मी अभी वहीं पे हैं, मैं मेरी दादी और मेरे कज़न्स लोग आ गए, फिर मेरे कज़न्स लोग फिर वहां चले गए। तो अभी रात का 12:30 बज रहा है एंड बस मेरे को अपना मेकअप रिमूव करना है। तो आज मैं और मेरी दादी इस रूम में सोने वाले हम लोग साथ में, तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने थोबड़े को साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ कल सुबह में, चेंज वेंज कर लूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट।